मैं शिखा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, मॉनसून आने वाला है या कुछ कुछ शहरों में आ भी गया है। गर्मियों के बाद जब मॉनसून आता है तो सबको बहुत राहत मिलती है, चलो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, मॉनसून में बहुत चिपचिप भी होता है और बहुत केयर भी करनी पड़ती है, खासकर अपने बच्चों की केयर करनी पड़ती है और अपनी और घर की और तो करनी ही पड़ती है। बाकी आप अपने और अपने घर की तो केयर बहुत अच्छे से कर ही लेते होंगे, आप बहुत अच्छी हाउसवाइफ्स हैं सभी, लेकिन अपने बच्चों की केयर करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत इजी टिप्स हैं जो आपको अपने बच्चों की केयर में शामिल करने हैं मॉनसून के दौरान। तो सबसे पहला टिप होता है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना होने दें बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि जैसे गर्मी में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, आप गर्मियों में बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते ही हैं, लिक्विड देते ही हैं, लेकिन मॉनसून में भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है पानी पिलाना। ये मत सोचिए कि बारिश हो रही है तो बच्चे को प्यास नहीं लगेगी, अब अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को उसमें भी आपको पानी पिलाना है, लिक्विड देना है, छाछ देना है। नींबू पानी आप कम कर दीजिए मॉनसून के दौरान, क्योंकि उससे गला ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन आप नॉर्मल पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा मत दीजिए, मिक्स करके पानी आप बच्चों को दीजिए, क्योंकि जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि मॉनसून के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी में स्वेटिंग यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मॉनसून में बारिश के दौरान भी आप बच्चे को पानी अच्छे से पिलाइए, और पानी हो सके कोशिश कीजिए बॉइल्ड वाटर ही पिलाइए। कोशिश कीजिए कि आप खुद भी बॉइल्ड वाटर ही पीजिए, नहीं तो बच्चों को तो ज़रूर बॉइल्ड वाटर दीजिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है आजकल और बच्चों को जर्म्स वगैरह से इन्फेक्शन होने का डर जल्दी रहता है। इसलिए बच्चों को जो है आप बॉइल्ड वाटर दीजिए, पानी को नॉर्मल अपना गैस पर बॉइल कीजिए 10 से 15 मिनट, और उसको ठंडा होने के बाद बॉटल्स में भर के या किसी स्टील के जग में भर के रख लीजिए, या फ्रिज में आपको रखना तो बॉटल्स में भर के रख लीजिए। फ्रेंड, सेकेंड टिप ये आता है कि बच्चों को आप कपड़े कैसे पहनाएं मॉनसून के टाइम पे, क्योंकि मॉनसून के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आता है। इसलिए हमेशा 100% कॉटन ही कपड़े पहनाइए बच्चों को, फुल स्लीव्स पहनाइए। फुल स्लीव्स और पजामास घर में हैं तो फुल स्लीव्स और पजामा पहनाइए, जिससे कि मॉस्किटोज के काटने का भी डर ना हो। हाँ, जिस टाइम पे आपको लगता है कि अभी मॉस्किटो नहीं है, जैसे नहाने के बाद मॉर्निंग में लग रहा है आपके मॉस्किटोज इस टाइम पे नहीं है, तो आप उस टाइम पे स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स भी कपड़े पहना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन रात के टाइम कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स ही पहनाएं। थर्ड टिप ये आता है कि जब भी बच्चों को आप खाना दें तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए कि सब हमेशा कोशिश कीजिए कि फ्रेश फूड दीजिए। और अगर आप फ्रेश फूड नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपने थोड़ी देर पहले बना के रखा है और उसको आप फ्रिज में रख रहे हैं, तो फ्रिज में कवर करके ही रखिए फ्रिज में भी खाना हमेशा। और जब भी फ्रिज में से निकाल कर उसको गर्म करने से पहले उसको देख चेक कर लीजिए देने से पहले कि ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, या उसका कलर तो नहीं चेंज हो गया है, या खाने की स्मेल कैसी आ रही है, खुशबू कैसी आ रही है, उसकी उसमें चेंजेस तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको जर्म्स का इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। मॉनसून के टाइम पे खाना जो है बहुत जल्दी स्पॉइल होने का डर रहता है, इसलिए फ्रिज में भी हमेशा कवर करके रखें। और अगर आप किचन में खाना रख रहे हैं, सब कुछ कवर करके रखिए ज़रूर, बिल्कुल भी कोई भी खाना खुला मत छोड़िए। एटलीस्ट जैसे फ्रूट्स भी हैं तो उनको भी आप खुला मत छोड़िए, उसको भी आप किसी किचन नैपकिन से या प्लेट से ढककर ही रखिए। तो थर्ड टिप ये होता है कि खाना जो है बिल्कुल फ्रेश देने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा थोड़ा खाना छोड़ देता है तो उसको आप थ्रो आउट ही कर दीजिए, ये मत सोचिए कि फ्रिज में रख दीजिए या मैं शाम को उसको गर्म करके दे दूँगी। तो प्लीज़ अभी मॉनसून का टाइम है, थोड़ा सा केयर कर लेंगे तो आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे में इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन होने का डर जल्दी रहता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है उसमें ये है फ्रेंड्स कि आपको मॉस्किटोज से बचाना ही बचाना है बच्चों को किसी भी तरह, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे मॉस्किटोज के काटने से इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है। मॉनसून के टाइम पे कुछ ऐसे मॉस्किटोज आते हैं नेचर में कि जिनके काटने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इस टाइप के जो मच्छर होते हैं वो ये डिजीज़ पैदा कर देते हैं। तो सबसे अच्छा है तो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कीजिए सबसे। आजकल जो मैंने ऑनलाइन या मार्केट में मैं देख रही हूँ, मामा अर्थ का आ रहा है नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि नेचुरल ही है, लेकिन मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ अभी,
ओनली आपको बता रही हूँ क्योंकि वो मैंने काफी मॉम से सुना है, एक्सपीरियंस उसका अच्छा है, नेचुरल है उसमें। नहीं तो आप कोई भी आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस हो गई, या आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं छोटे बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी। अब तो बहुत अच्छी अच्छी मॉस्किटो नेट्स मार्केट में अवेलेबल है, पूरा बेड कवर कर देती है जिसको, तो वो लगाइए। पर हाँ, ये कोशिश कीजिए नेचुरल हो, बच्चे को हार्म ना हो। कॉइल्स वगैरह मत लगाइए, वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो बस आपको मॉस्किटो से बचाना है, इतना आप खुद समझदार हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा मॉस्किटो से बचाने के लिए। तो फोर्थ टिप आपका यही आता है कि मॉस्किटो से बच्चों को ज़रूर बचा के रखिए मानसून के टाइम पे। नेक्स्ट टिप ये आता है कि बच्चों को हाइजीनिक रखिए, मींस बच्चों का जो से टॉवल है, धूप निकलती नहीं है मानसून में, बारिश होती रहती है, तो उस टाइम पे बच्चों के टॉवल वगैरह को लेकिन अच्छे से ड्राई करके ही रखिए। गीले टॉवल से कभी भी बच्चों को मत पोछिएगा नहाने के बाद, और बच्चों का टॉवल पूरे अच्छे से सुखा दीजिए। अगर बाहर धूप नहीं आ रही है तो अंदर ही पूरा दिन फैन में या एसी के आगे, कूलर के आगे बिल्कुल अच्छे से उसको सुखा दीजिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चों का टॉवल हो गया, कॉम्ब हो गया, वो कोई और यूज़ ना करें घर में। बच्चों का बिल्कुल अलग सेपरेट टॉवल रखिए, सेपरेट कॉम्ब रखिए। बच्चों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर वॉश करवाइए, बाहर से आ रहे हैं तो हाथ अच्छे से वॉश करवाइए। ये सब चीज़ों का छोटा छोटा, वैसे तो आप सभी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते ही होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मॉनसून के टाइम पे इन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने खाना खाने से पहले नहीं भी हाथ धोया बच्चे ने, तो लेकिन मॉनसून के टाइम पे ज़रूर हाथ धुलवाइएगा, क्योंकि जर्म्स जो हैं हाथों में लगते हैं। बच्चों के नेल्स रेगुलरली कट कीजिए, क्योंकि मोस्टली जर्म्स जो है वो नेल से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये आता है फ्रेंड्स, अगर आपको हल्का सा भी लगता है बच्चों के सिम्टम्स कि बच्चा ने चीख मारी है या बच्चे को ठंड लग रही है या कोल्ड हो रहा है, तो आप बच्चों के लिए तुरंत होम रेमेडी स्टार्ट कर दीजिए उसके होने बढ़ने से पहले ही। अगर बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको क्योर करना, या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर हल्का सा बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है या मुझे कोल्ड हो रहा है या खांसी हो रही है या गले में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप होम रेमेडी उसी टाइम तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। होम रेमेडी में कोई नुकसान तो है नहीं। मेरी एक वीडियो है होम रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ फॉर बेबीज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देखिए और वो होम रेमेडी आप तुरंत बच्चों को अप्लाई कर दीजिए। अगर बच्चों का आपको जरा से भी सिम्टम्स लगते हैं मानसून के टाइम पे कि बच्चों को शायद ठंड लग गई है या कोल्ड होने लगा है या कफ लग रहा है, तो फ्रेंड्स यही कुछ टिप्स थे बच्चों को जो मानसून में आपको केयर करनी है। ये जो टिप्स हैं ये 6 महीने से लेके 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है जो आपको केयर रखनी है। बड़ों बड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद तो बच्चे खुद भी थोड़े समझदार हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की केयर आपको ही करनी है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।